वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान, ज्वाइनिंग के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जिन लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए कि क्या बता रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और उस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जब आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे भेजा जाएगा तो उसमें एनेक्सर और कॉल लेटर दोनों भेजा जाएगा। एनेक्सर में बहुत सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ रहता है, फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, और उसमें से बॉन्ड पेपर होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, अटेस्टेशन फॉर्म होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा और एक शपथ पत्र अलग से रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा। तो इसमें जो है आपको कैसे बनवाना है, देखिए बॉन्ड पेपर जो आप बनवाएंगे तो उसमें 10 या 10 रुपये से अधिक रुपए के स्टाम्प पेपर आपको ख़रीदना होगा, कोर्ट से कचहरी से ख़रीदना होगा, और उसमें किसी वकील को आप संपर्क करेंगे तो वो नोटरी से आपका स्टाम्प पेपर पे जो है बनवा देगा। और बॉन्ड पेपर जो होगा, जो रेलवे प्रोफॉर्मा फॉर्मेट भेजेगी, जो लिखा हुआ रहेगा जो बॉन्ड में क्या लिखना है, वही स्टाम्प पेपर पे आपको टाइप करा देना है या प्रिंट करा देना, जिस भी तरीके से आप के लिए पॉसिबल हो आप वो कर सकते हैं, आप वो करवा दीजिएगा और फिर उस वकील से संपर्क करिएगा तो वो आपको नोटरी के द्वारा साइन मोहर करवा देगा और फिर वो तैयार हो जाएगा। और उसमें जो है 4 विटनेस आपको मेंशन करना होगा कि जो आपको जानता हो, अच्छी तरह से आपको जानता हो, उसका सिग्नेचर और पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ जो है होना चाहिए, और पेरेंट्स मतलब गार्जियन का नाम या फादर का नाम और अपना नाम भी हर पेज पे होगा, ठीक है। इस तरह से आपका वो बॉन्ड पेपर तैयार कर देगा। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन एक होगा, वो भी स्टाम्प पेपर पे ही बनेगा, 10 या 10 रुपये से अधिक के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, और उसी वकील से आप संपर्क करेंगे तो वो बना देंगे। और उस सेल्फ डिक्लेरेशन में जो है रेलवे मतलब फॉर्मेट भेजती है, लिखा हुआ रहता है, उसको आपको प्रिंट कराना होगा, और जब वो प्रिंट हो जाएगा तो उस पर प्रिंट हो जाएगा तो फिर वही एडवोकेट आपको उस पर साइन मोहर कर देंगे, एफिडेविट टाइप से वो कर देंगे, वो बन जाएगा। और उसमें भी फ्रंट पेज पे आपका सिग्नेचर उसमें चाहिए, आपका सिग्नेचर हो गया, उसमें मेनली ये लिखना होता है कि वो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, ठीक है। और भी ये कि जो है हम मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वो सब लिखा हुआ रहता है हिंदी में, आपको वही टाइपराइटर से टाइप करवा देना है, आप समझ जाएंगे जब आप बनाने जाएंगे तो। और उसके बाद आप बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म का, तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है 5 पेज का होता है, आपको 3 सेट में निकालना है, यानी 5×3 15 पेज आपके पास हो जाएंगे, और तीनों को अलग अलग पिनअप कर लीजिएगा और तीनों को भर दीजिएगा, ठीक है। उसमें कि हर एक मतलब जो है फॉर्म मतलब सेट में आपको मेंशन करना होगा 2 ऐसे आदमी का आपके गांव मोहल्ले का, जिसको कि आप अच्छी तरह जानते हैं और वो भी आपको अच्छी तरह जानता है, ठीक है, आपके वो मतलब आसपास के होने चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, इसमें 2 टाइप के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, दोनों का प्रोफॉर्मा दिया रहता है एनेक्सर में, आप देख लेंगे, ठीक है। और एक होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, जो कि SDM या DM के द्वारा साइन मोहर होगा, और एक होता है कोई भी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। इस तरह से दोनों बना लेंगे, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। एक शपथ पत्र होगा जो कि मतलब ऐसे टाइप रहेगा, ठीक है, ऐसे टाइप रहेगा, उसमें आपको अपना नाम, और दूसरा वाला जो शपथ पत्र होगा तो उसमें आपको मतलब ब्लैंक स्पेस रहेगा, अपना नाम और फादर्स नाम भरना है और सिग्नेचर नीचे कर देना है, हो गया, ये सब लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, जो लोग OBC कैटेगरी से आते हैं अपना OBC सर्टिफिकेट ले जाएंगे, जो EWS से आते हैं EWS लेके जाएंगे, जो ऑफलाइन बनवाए हैं वो भी चलेगा, या ऑनलाइन जिनका है वो भी चलेगा, दोनों में कोई भी चलेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं NSC प्लेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पोस्ट ऑफिस से बनेगा, और पोस्ट ऑफिस जैसे आप NSC बनवाने जाएंगे, इसका मतलब हुआ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC का मतलब हुआ, तो आप यदि ये बनवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पोस्ट मास्टर या फिर वहाँ काउंटर पर जो भी रहेंगे वो ये कहेंगे कि इससे पहले आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद NSC बनाया जाएगा। और किसी किसी पोस्ट ऑफिस में आपको डायरेक्ट NSC भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, सेविंग अकाउंट यदि आपसे खुलवाया जा रहा है तो उसके लिए एक पासबुक मिलेगा, और फिर आपको 1000 रुपया जमा करना होगा उसमें। और NSC का मतलब ये हुआ कि आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसका कि आपको इंटरेस्ट जो है कुछ नियत समय के बाद 5 साल 10 साल जितने साल
जितने साल का NSC आप बनाएंगे, ठीक है, वो उतने साल के बाद आपकी मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, आपको ले जाना होगा। आप NSC यदि ये बन जाता है, उसके बाद फिर आप पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट पोस्ट मास्टर से संपर्क करेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे प्लेज बनवाना है, एक फॉर्मेट रहेगा NXR के साथ ही, वो प्रिंट आउट करा करके उनको दे देना है, और फिर वो 118 रुपये का प्लेज का मुहर आपको लगा देगा और कुछ लिख देगा उसमें। ये आसान है, समझ जाएंगे आप वहाँ जाने के बाद। इस तरह से आप जो है NSC प्लेज भी बना लिए, और फिर एक NPS फॉर्म होगा और मैंडेट फॉर्म होगा, जो कि आपको प्रिंट आउट करा लेना है, यहाँ NXR में रहेगा। और मैंडेट फॉर्म के लिए आपको बैंक का ब्रांच जाना होगा, आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो शाखा प्रबंधक होंगे, ठीक है, या फिर सेवा प्रबंधक होंगे, वो आपको साइन मोहर कर देंगे, आपको बैंक डिटेल्स में भर देना है। हालांकि NPS और मैंडेट फॉर्म, इस दोनों की आवश्यकता ज्वाइनिंग के समय नहीं पड़ती है, वो बाद में लिया जाता है, ठीक है, और बाद फिर भी पहले से बना के रखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, नहीं तो फिर बाद में आपके पास शायद उतना पर्याप्त समय नहीं हो। तो इस तरह से जो है आप NSC और मैंडेट फॉर्म भी लेके जाएंगे। NSC प्लेज अलग हुआ, जो कि पोस्ट ऑफिस से होगा, लेकिन NPS और मैंडेट फॉर्म ये आपके बैंक से काम होगा। अब आप बात करते हैं कि आपको 10 फ़ोटो, मिनिमम 10 फ़ोटो या उससे अधिक भी लेके जाइए, क्योंकि 10 फ़ोटो तो आपको लगेंगे ही, ठीक है, उससे अधिक लेके जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10th का मार्कशीट और डिग्री, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो मस्ट है, ये सब आपको ले जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक और इम्पोर्टेंट है कि जब आपका HRMS ID बनेगा, वही ज्वाइनिंग के जस्ट बाद या अगले दिन या उसी दिन यदि समय रहेगा, तो HRMS ID भी बनाया जाएगा, जिसमें कि HRMS ID में आपको कुछ डॉक्यूमेंट को उस पर अपलोड करना होगा, आपको नहीं करना होगा, वहाँ करेंगे, ठीक है, फिर आपका ID जनरेट हो जाएगा, तो फिर बाद में उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसका पासवर्ड भी बदल सकते हैं, बहुत सारे चेंजिंग आप कर सकते हैं, वो आपका अपना ID हो जाएगा, लेकिन उस समय वो खुद से ऑफिस के अंदर डिवीज़न में ही HRMS ID आपका बनाया जाएगा, और बारी बारी करके बनाया जाता है सीरियल नंबर के हिसाब से, जो कि आपके कॉल लेटर पे लिखा रहता है, उसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा HRMS ID में अपलोड करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो जो भी PDF होंगे उसमें 2 MB से कम के होने चाहिए। सबसे पहला बात कर लेते हैं कि OBC सर्टिफिकेट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, वो लेके जाना होगा, 2 MB से कम उसका PDF होना चाहिए। NPS का जो फ्रंट पेज है, क्योंकि आप पूरा तो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय हो जाते हैं उसको बहुत सारा चीज़ जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन रहता है, वही NPS में सारे पूरे फॉर्म को भर पाएंगे, इसलिए फ्रंट पेज में ही जो आपका नाम डिटेल, जो बैंक अकाउंट का डिटेल होगा, वही सब आप भर सकते हैं। उतना ही फ्रंट पेज का ही PDF आप बना लेंगे, 2 MB से कम वो लेके जाएंगे, और फोटो JPG फॉर्मेट में, वो भी 2 MB से कम होना चाहिए। पैन कार्ड का PDF होना, PDF 2 MB से कम होना चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट और डिग्री, इंटरमीडिएट का नहीं चलेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को वो सेटिस्फाई करना चाहता है, इसलिए मैट्रिक इनफ का भी है, और ग्रेजुएशन का, ठीक है, जो हायर एजुकेशन आपका है, जिस बेसिस पे आप जॉब ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री, इस दोनों का भी PDF जो है एक साथ बना लेना है, जो 2 MB से कम का होगा। और बॉन्ड पेपर का सारा पेज, ठीक, जितना भी है बॉन्ड पेपर के जितना भी पेज है, सबको PDF बना लेना है, और वो 2 MB से कम का होना चाहिए। और हाँ, एक और जो आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं होगा, आपका फाइल उसके पास पहले से रहता है, आपके फाइल में आपने जो मेडिकल कराया था, आपका मेडिकल का जो स्टैंडर्ड आपको मिला था, उस स्टैंडर्ड में, मेडिकल के उस स्टैंडर्ड में आपको जो है एक आपका सर्टिफिकेट बना होगा, बोलेगा इस सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींच लीजिए आप, और इसका PDF 2 MB से कम का बना लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट उसको आपका व्हाट्सअप को वहाँ पे लॉगिन करेगा, सारा डॉक्यूमेंट को आप अपलोड मतलब वो कर देगा, और आप देख लेंगे, और फिर वहाँ से आपको बोलेगा घर चले जाइए, ठीक है। इतना ही है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये 8 डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, ठीक है।